सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसब एंड मॉम ऑल इन वन ब्लॉग्स। और गर्मियाँ पिक पे है अभी, तो मतलब गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पर है। धूप बहुत तेज हो गई है और बच्चों की छुट्टियां भी लग गई है, तो बच्चे घर पे हैं। तो जैसी थोड़ी सी गर्मी होती है, जैसी घड़ी में 11:30-12 बजता है, तो उनको कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए रहता है। तो घर में इसलिए कुछ ना कुछ लस्सी, छाछ, पन्ना, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ ना कुछ रहता है। ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, एक बहुत अच्छी टेस्टी भी होगी और उसके साथ साथ हेल्दी भी होगी। तो आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत बढ़िया आइसक्रीम और पॉपस्टिकल बोलते हैं ना, जो हम बचपन में खाते थे, लकड़ी वाली, कोई बिस्किट का रहता था, कोई नारियल वाला रहता था। तो वो ये देखो खाने के लिए अभी बैठे हैं। तो मैं बनाई हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ कैसी बनी है और टेस्ट करके भी बताऊंगी कैसी बनी है। तो मेरी थोड़ी सी मैं चंपू चंपू सी दिख रही होंगी क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है अपनी बालों में थोड़ा सा। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आइसक्रीम कैसी बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं आइसक्रीम की तैयारी। तो मैं ये तैयारी ना पहले ही रात कर ली थी, क्योंकि रात भर फिर रख दी थी फ्रिज में ताकि सुबह अच्छे से आइसक्रीम बन जाए। और जब घर पे बच्चे रहते हैं ना, तो यही ट्रिक अपनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बार बार फ्रिज खोल के फिर देखते रहते हैं और आइसक्रीम अच्छे से नहीं जमेगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 कच्चे आम। आज कच्चे आम का आइसक्रीम बनाएंगे, तो 2 कच्चे आम चाहिए। तो 2 कच्चे आम ले ली थी मैंने। और ये आम ना थोड़ा सा ख़राब, मतलब बीच बीच में हो गया था, पता नहीं, मतलब लग के भी, ठोकर लग के भी आम थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा हो जाती है ना, तो उसको देख के मैंने अच्छे से उसको काट ली थी। उसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे आप, बड़े पीस उसको अगर कुकर में बनाएंगे ना तो उसको ना बड़े पीस भी काट सकते हैं। मैं बस नॉर्मल सा बर्तन में उसको उबालूंगी, इस वजह से मैं उसको छोटे छोटे पीस में काट ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हमको ना इसको उबालना है, तो इसीलिए हम इसमें डाल देंगे पानी। जैसे हम आम पन्ना बनाते हैं ना, तो वही है प्रोसेस। तो इसको हमको थोड़ा सा उबालना है, तो मैं ना पतीले में ही उबाल दे दूंगी अभी, क्योंकि ना कुकर में अगर आप उबालोगे तो बड़ा बड़ा पीसेस भी चलेगा। मैं थोड़ा छोटे छोटे पीसेस काटी थी, इस वजह से मैं अभी इसको इसी में सॉस पैन में ही उबाल दूंगी गैस चालू करके। और इसमें हम आगे मिलाएंगे मिश्री। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दी थी, और इसमें मैंने डाली थी 1 कप मिश्री। अब बाद में ना टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर चेक करके तो आप और डाल सकते हैं इसमें, तो मैंने 1 कप ही डाली थी। मेरा परफेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरा आम ना ज़्यादा खट्टा नहीं था, और ये बढ़िया सा खट्टा मीठा और थोड़ा सा चटपटा सा बढ़िया आइसक्रीम बन के तैयार होगी, और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका था आम, अच्छे से उबल चुका था। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक ठंडा नहीं होती है हम इसको ग्राइंडर में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ग्राइंडर को दिक्कत करेगी। तो यहाँ पे पूरा ठंडा होने देंगे इसको। तो मैंने अच्छे से इसको ठंडा कर ली थी, और इसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी ग्राइंडर जार में। तो मैं यहाँ पे खाली अभी आम ही छान के इसको ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। बाद में ये जो बची हुई है ना शक्कर का पानी, तो इसको भी बाद में हम डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे ये पुदीना के पत्ते, और ये पुदीना के जो डंठल रहते हैं ना उसको नहीं डालेंगे, खाली पत्ते पत्ते ही डालेंगे, जैसे आम पन्ना बनाते हैं उसी प्रोसेस में करेंगे इसको। तो ये डंठल ना मैंने फेंक दी थी और खाली पत्ता पत्ता ही निकाली थी। बहुत फ्रेश पुदीना है ये, और पुदीने की टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है पन्ना वगैरह में। और पुदीना बहुत फ़ायदेमंद भी होती है हेल्थ के लिए, बॉडी को कूलिंग का काम करता है ये पुदीना। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें 5-6 काली मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। तो अभी देखे होंगे मैंने जीरा को थोड़ा सा भुनी थी,
तो वही भुना हुआ जीरा डालेंगे और एक टीस्पून छोटा वाला इसमें डालेंगे नमक, काला नमक, जैसे हम आम पन्ना में डालते हैं ना उसी प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी 1 चम्मच छोटी वाली काला नमक, और यहाँ पे मैंने वही जो बॉईल करे थे आम को तो वही पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्सर में। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका था, बट ना बहुत थिक हो गया था जब ये मैंने इसको ग्राइंडर में चला दी थी, तो इसीलिए मैंने और इसमें वही बॉइल्ड वाला पानी जो हम आम बॉईल करे थे तो वही वाला पानी मैंने और डाल के इसको और थोड़ा सा पतला कर दी थी। तो आपको और थोड़ा पतला चाहिए तो और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल पानी ऐड मत करिएगा, यही जो बॉईल करके रखे होंगे ना वही पानी ऐड करिएगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता, अच्छा आइसक्रीम बनेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट कर ली थी शक्कर वगैरह सही है कि तो नहीं, और ये बहुत टेस्टी लग रहा था वैसे भी। तो इसी स्टेज में आप पन्ना भी बना सकते हो इसको पानी में और इसको ऐड करके। और यहाँ पे मैंने ले ली थी आइसक्रीम का मोल्ड, ये बहुत अच्छा आइसक्रीम का मोल्ड है, ये मैं डीमार्ट से लाई थी अभी जो गई थी नवरात्र के टाइम पे, तो तभी खरीद के लाई थी, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ऐसी ऐसी मोल्ड वैरायटीज, मोल्ड की जितने भी रहे तो उसमें आइसक्रीम बना के खा लेते हैं। तो मेरा बेटा तो इसमें रसना भी डाल के आइसक्रीम बना के पी लेता है, कुछ भी कर लेता है, वो अपने हिसाब का आइसक्रीम्स बना लेता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मोल्ड में डाल ली थी, और इसको मैं अभी रात भर रख दूँगी फ्रीजर में, और फ्रीजर को मैं कर दी थी हाई टेम्परेचर में, और ये अभी हो जाएगा। और मैं सुबह इसको निकाल दूंगी, और ये जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो उसको मैं ये ऐसी वाली कुल्फी मोल्ड रहती है ना, तो ऐसी वाली मेरे पास था तो इसमें मैं भर दे रही हूँ, ये मुझे काम आएगा पना बनाने में। ये सुबह हो गई थी और फिर मैं आ गई थी, निकाली थी इसको आइसक्रीम मतलब फ्रिज से, और अभी इसको थोड़ा सा पानी में रखेंगे, और फिर ये देखिए कितनी इजीली निकल गई थी। और ये ऐसा भी नहीं बना था कि पूरा एकदम कड़क बर्फ़ जैसा, और ये देखिए मेरे बेटे को अभी सब्र भी नहीं हो रहा था खाने को, और वो मैं जैसे ही रखी मैं बोल रही थी अरे प्लेटिंग करूँगी, तो वो फिर उठा लिया था, और देखिए उसका फीडबैक वो खुद ही दे रहा है, और उसको बहुत पसंद आया था। और ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। और हाँ, आप ना इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर अगर ऐड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ये बढ़िया ग्रीन ग्रीन सा बन के तैयार होगा, और प्रेजेंटेशन में ये बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ आइसक्रीम, और ये ऐसा भी नहीं बना था पूरा कड़क टाइप का बर्फ़ जैसा, ये एकदम सॉफ्ट सा बना था और बहुत टेस्टी भी लग रही थी, खट्टा खट्टा मीठा मीठा। अरे सबको तो बहुत ही पसंद आया था, वो तो खाली कर लिया था अभी थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम आप ज़रूर से बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, आपको धूप से भी बचाएगा कच्चा आम की ये वाला आइसक्रीम, तो आप ज़रूर से बना के खिलाइए सबको, और सबको बहुत पसंद भी आएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।